आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने शुरू किया जेल भरो अभियान। नेताजी सुभाष स्टेडियम से की कार्यक्रम की शुरुआत। जिले भर से आए सेविका व सहायिकाओं ने एकजुट होकर आज गिरफ्तारी देने की कोशिश की, हालांकि थाना प्रभारी ने उन्हें समझा बुझाकर वापस कर दिया। क्या राय है? हमारी सरकार से 24 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों पर कोई तरह का मतलब दिशा निर्देश नहीं दे रही है। कुछ नहीं हो रहा है। मैं रानीगंज कोषा अध्यक्ष बोल रही हूँ। हम हड़ताल पर हैं, धरना पर हैं, धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती है। और हमारी बहनों को चिलचिलाती धूप में देखा, फिर भी हमारा दर्द को अभी तक सरकार नहीं समझ रही है। हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी में खटाया जा रहा है। हर तरह का विभाग काम लेती है और उसके बदले हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आज हमारा जो आंदोलन है 24 दिन से ही हम लोग कर रहे हैं, ये चौथा चरण है। हम लोग अपने मांगों के समर्थन में, हमारी मांगें अभी तक सरकार पूरी नहीं की है, इसके लिए हम लोग जिले की तमाम सेविका सहायिका आज हमको गिरफ्तारी देनी है। हम लोग आज 24/3/17 से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसके लिए हम लोग एकजुट हैं कि जो इस बार जो है अपना हक निर्णय लेकर के ही रहेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। 16 सूत्री मांगों को लेकर हम आज अपने हड़ताल पर हैं। आज जेल भरो आंदोलन है। सभी सेविका सहायिका बहने 9 प्रखंड से आई हुई हैं। हम सभी 24/3/2017 से लेकर के ये चौथा चरण है और हम इससे आगे भी जाएंगे। हम अपनी मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रखेंगे। जेल भरो अभियान कार्यक्रम के बाद अगर हम लोगों